तो आज पानी बरस रहा, ऊपर से बूंद सुशीला के सीने पर गिरती है। सर्दी के मारे सुशीला आज सहन सर्दी नहीं हो पाती। रात के उठ करके सुशीला बैठ गई और अपने पति के चरणों को पकड़ कर बोली, पिया तुम तो आज सो रहे हो लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। कहने लगे सुशीला चरणों को दाब करके, स्वामी अरे सुशीला रोए रही घर में, अरे करी करे समय अपने के याद। सुशीला रोए रही घर में, करे करे समय अपने के याद। शमी ना तू सोती ना सोने देती, बात क्या है क्यों जगा दिया? शमी आप तो के ना सोती ना सोने देती है, मुझे कैसे रात में नींद आए? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात हो पानी बरस रहा है, छप्पर से पानी टप टप हो रहा है। ऐसा कोई वस्त्र जो वस्त्र में पहन सकती हूँ? घर में भोजन पकाने के लिए कुछ आटा नहीं है, कहीं तेल है तो कहीं नमक नहीं, कहीं नमक है तो मसाला नहीं है। जिस जैसे मेरा विवाह हो करके आया उस जैसे मैंने सुख नहीं जाना, कैसा सुख होता स्वामी? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मेरा ऐसा कौन सा दोष है जो दिन पे दिन गरीबत देखने को मिल रही? स्वामी मुझे बताइए नाथ, मैंने कौन सा क्या मैंने किया ऐसा जो दिन दिन में देखने को मिल रहे हैं? सुशीला कौशमी तुमने नहीं कोई पाप किया, पाप तो मैंने किया कि कहीं सुदामा एक दिन, अरे कृष्ण हमारे मित्र औ करत रहे तय उपदेश तिय सोतौ परम विचित्र। अरे माता में अभी बहुत समय है, अभी डिस्टर्ब आप लोग ना करिए ज्यादा, अबे आपको जरूरत चावलों की पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, चावल अगर चढ़ाना है तो ऐसे नहीं चढ़ाए जाते जैसे आप लोग चढ़ा के जा रही हैं, ऐसे चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। बताया होगा विद्वानों ने आप लोगों को, अभी आप लोग बैठ जाइए, तरीका बताया जाएगा कि ऐसे चावल चढ़ाए जाते हैं, इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। लाने से कोई फायदा नहीं, आप लाए और फेंक जाए इससे क्या फायदा है? जब चावल चढ़ाइए भगवान कन्हैया जब चब जाए, चबने के बाद में जब वो द्वारिका के लिए फिर भेज दें सुदामा को, तब उसके बाद में चढ़ाना चाहिए।
और जरूरत पड़ेगी और चढ़ाइए कैसे, जो चावल आप लोग लाइए उस चावल में से थोड़े चावल अपने घर पे जरूर ले जाइए, समझे। ऐसे नहीं कि फेंक दो चले जाओ, उन चावलों को लेकर के अब सोचोगे कि क्या करेंगे। हम जान कल विधुनक बाजार करवाओ पर अच्छा चलो भाई। तो वे चावल सफेद वस्त्र में बांध करके जहां भगवान की मूर्ति हो, पूजा पाठ की इलवारी हो, वहां रखिए, या जहां अन्नदान तुम्हारा हो वहां पर रखना चाहिए। अब माताएं मैंने क्या करती, फेंक देती चली जाती, कोई मतलब नहीं। अरे क्या लाने से फायदा है, भगवान के दरबार में लाओ तो भगवान के दरबार से कुछ लेकर भी